पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण 1250 हेक्टेयर भूमि पर एक नई टाउनशिप बनाने जा रहा है। इसके लिए 12 गांव की भूमि चिन्हित की गई है। प्राधिकरण इस भूमि को सीधे किसानों से बात करके खरीदेगा। इसके बाद यहां टाउनशिप विकसित की जाएगी। एमडीए के वीसी शैलेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्राधिकरण की प्लानिंग मीडिया के साथ साझा की। वीसी ने बताया कि टाउनशिप के लिए भूमि की खरीद सीधे भूधारकों से की जाएगी। नई टाउनशिप को मॉडर्न तरीके से बसाया जाएगा। वीसी शैलेश कुमार ने कहा कि शहर बेतरतीब बसावट को रोकने के लिए नई टाउनशिप को विकसित किया जा रहा है, ताकि लोगों को व्यवस्थित कॉलोनियों में आवास मिल सके। वीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरणों को नई टाउनशिपों के विकास के लिए भूमि अर्जन मद में सीड कैपिटल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। एमडीए द्वारा अपनी मौजूदा नया मुरादाबाद योजना के पास स्थित करीब 11 राजस्व गांवों की लगभग 1250 हेक्टेयर भूमि को इस नई टाउनशिप के लिए चयनित किया गया है। एमडीए सीधे किसानों से और भू स्वामियों से समुचित दरों पर चरणबद्ध तरीके से भूमि खरीदेगा। प्राधिकरण करीब 1250 हेक्टेयर में नया मुरादाबाद स्कीम के पास एक नई टाउनशिप स्कीम लेकर के आ रहा है। इसमें जो राजस्व ग्राम सम्मिलित है उनमें डिडौरा, डिडौरी, भीमाठेर, सोनकपुर, शाहपुर तिगरी, खदाना, चौधरपुर, सलेमपुर बांगर, ये सभी गांव करीब 11 गांव हैं जिनकी लगभग 1250 हेक्टेयर जमीन को इस योजना के अंतर्गत दिया गया है। इसका हम लोगों ने बाकायदे समर्थक पत्रों के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला है और उन सभी भूमियों को चिन्हांकित करते हुए उनको नोटिफाई किया है। इसके लिए हम लोगों ने 15 दिवसों का समय दिया है। जो भूस्वामी है वो आकर के अपने आपत्ति और सुझाव प्राधिकरण कार्यालय में दे सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंगल विंडो की स्थापना भी की है। वो योजना से संबंधित अपने समस्त आपत्तियों सुझावों का दर्ज करा सकते हैं। एक कमेटी के माध्यम से हम उनके सुझावों का निस्तारण करवाएंगे। ये योजना एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है जिससे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पास एक अच्छी लैंड बैंक की उपलब्धता होगी। इसके अलावा महायोजना के अंतर्गत जो प्राधिकरण ने शहरवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप कई सारे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उन सभी प्रोजेक्ट को भी धरातल पर उतारने में ये योजना अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। जो महायोजना के अंतर्गत सड़कें हैं उनका निर्माण, जो हरित क्षेत्र है उनका निर्माण, रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट, एक मेडी सिटी, एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह की परियोजनाएं इसके अंतर्गत लाई जा सकती हैं। एक बड़ी झील है उसको भी एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में इसमें डेवलप किया जा सकता है। तो हमें पूरी उम्मीद है और आर्टिजन्स के लिए भी हम लोग एक हैंडीक्राफ्ट सिटी की हम लोगों ने इसमें परिकल्पना की है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस योजना के लॉन्च होने से शहरवासियों को लाभ होगा और हम लोग एक नया शहर बसाने की तरफ इसमें अग्रसर हो रहे हैं। जिन राजस्व ग्रामों में ये भूमियाँ दी जा रही हैं उन गांवों का विकास भी जो है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा और जिन किसानों की भूमि, जिन भूधारकों की भूमि इसमें आएगी उनको उनकी भूमि का उचित दर हम लोग दिलवाएंगे, जिससे कि जो है अधिकतर भूमि हम लोग जो है आपसी सहमति के आधार पर क्रय कर सकें। नई योजना का हम लोगों ने जो टाइमलाइन लिया है वो अधिकतम 5 वर्षों का लिया है। इसको हम लोग 5 फेजेज में करेंगे और फेज वाइज जो है लैंड एक्विजिशन का कार्य होगा भूमि क्रय का, और फेज वाइज डेवलपमेंट करके जो उसमें परिसंपत्तियां निकलेंगी वो आम जनता के लिए विक्रय योग्य संपत्तियां उनके लिए उपलब्ध होंगी। अनुमानित लागत अगर हम ये कहें कि भूमि के क्रय और उस पर जो है जो विभिन्न प्रकार के निर्माण और विकास कार्य होते हैं, चाहे वो सड़कें हों, सीवरेज हो, पार्कों का विकास हो, बिजली की व्यवस्था करनी हो, पेयजल की व्यवस्था करनी हो, इन सब चीज़ों को मिलाकर के लगभग 8000 करोड़ का लागत आने की उम्मीद है और इसको फेज वाइज करेंगे तो इसको हम लोग जो है अगले 5 वर्षों में इतना एक तरीके से निवेश प्राधिकरण के स्तर से किया जाएगा। अपनी इस योजना को लेकर तुम लगाओ कि आवाम से क्या अपील है? मैं भूधारकों से एक तो अपील करूँगा जो भूस्वामी है वहाँ के, कि आपको अपनी भूमि के संबंध में कि आपको कितना मुआवजा मिल सकता है,
इस तरह की चीजों के लिए आप अपना लिखित में एक हमें दे देंगे, अपनी आपत्ति या सुझाव दे देंगे, तो उसका हम निस्तारण आपको करा देंगे। दूसरे जो है किसी भी प्राधिकरण के व्यक्ति अथवा जो है किसी बाहर के प्राइवेट व्यक्ति के संपर्क में आकर के किसी तरह के कंफ्यूजन में ना पड़े, आप आकर के सीधे अपनी बात यहाँ रख सकते हैं और आपकी आपत्तियों का निस्तारण भी जो है हम लोग सम्यक रूप से एकदम पारदर्शी व्यवस्था के तहत कराएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको एक उचित दर अपनी भूमि का मिलेगा, जिससे कि जो है आप अपनी आजीविका भी अच्छी कर सकते हैं और साथ साथ जो है अगर आपको कृषि ही करनी है तो कृषि के लिए आप एक अच्छी भूमि उस क्या नाम धनराशि से आप कहीं ना कहीं क्रय कर सकेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।